हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद फन साइंस एंड मैथ्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी कंटिन्यू एक सीरीज से, सीक्वेंस से, जिसमें हम हर वेडनेसडे मैथ्स का वीडियो और हर सैटरडे साइंस का वीडियो लेते हैं। और आगे भी अब आपको यही देखने में आएगा कि हर वेडनेसडे को आपको मैथ्स का वीडियो शेयर किया जाएगा और साइंस का वीडियो सैटरडे को शेयर किया जाएगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ें उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम किसी नंबर को 2^3, 4 ऐसा क्यों लिखते हैं। देखिए, एक ही नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना बड़ा हो जाता है उसको लिखते वक्त। अब उसे छोटा करने के लिए, स्मॉल करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 और उसकी पावर में जितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो कहलाता है बेस, और उसको जितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो कहलाता है उसका पावर। अब ये जो पावर है ये माइनस में भी हो सकता है। अब अगर पावर माइनस में, इसका मतलब क्या कि वो नंबर अपॉन में आएगा, है ना। 1/(that number) मल्टीप्लाइड दैट नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर वहाँ पर है ना, कहाँ पर, नंबर के ठीक ऊपर माइनस के पास, उतनी ही नंबर टाइम 1 के अपॉन में वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, एक्सपोनेंट्स को क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो कुछ बेसिक लॉज आपको आने चाहिए। इन लॉज को यूज करके आप हर तरीके का क्वेश्चन हमेशा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि नंबर्स को आप कैसे अरेंज करें या कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। पहला फॉर्मूला कहता है कि अगर नंबर सेम बेस के हैं और उनके पावर अलग अलग है, मतलब 2^2 × 2^3 इस तरीके का नंबर है ना, मतलब यहाँ पे 2 की जगह क्या है, a^m / a^n। याद रखिए, कई बार मल्टीप्लाई की साइन नहीं होती है, डॉट ही दिया होता है, तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, a को लिख दोगे यानी बेस को लिख दोगे और जो पावर है उनको ऐड कर लोगे, पावर्स को ऐड कर लोगे। तो a m + n, जैसे 2^3 × 2^2 था, तो आप क्या कर दोगे उसको, 2^2 + 3, तो 2^5। इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको इस टॉपिक को समझने में और आसानी हो जाएगी। अगर नंबर अपॉन में भी है, a^b (whole^n) × a^b (whole^n), तो भी सेम चीज ही फॉलो होगी, a^b (whole^m + n), यानी जब दो नंबर सेम बेस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर्स को हम ऐड करते हैं। ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। अगर ऐसे ही, अगर सेम बेस वाले दो नंबर जिनकी पावर अलग अलग है उन्हें हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनकी पावर्स को सबट्रैक्ट किया जाता है, जैसे a^m / a^n। तो इसको कैसे लिखेंगे, a^m - n। कई बार डिवाइड के लिए लाइन भी ड्रॉ की जाती है, स्लैश जैसी लाइन भी ड्रॉ की जाती है, जनरली डिवाइड का सिंबल बना हुआ नहीं रहता है, तो आप दोनों केस में ही उसमें कौन सा लॉ लगाएंगे, a^m / a^n = a^m - n। अब देखिए, पावर ऑफ पावर, अब अगर किसी नंबर के पावर का भी पावर कर दिया हो तो आप क्या करेंगे, जो दोनों नंबर पावर में है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, a^m / a^m (whole^m × n) = a^m·n। इसमें एक और बात आपको ध्यान रखने की है, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने लिखा है 2^3 / 2, है ना, तो ये किसके बराबर होगा, 2^2 × 3, मतलब 2^6। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2^3 / 2, यानी यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि ये भी हो सकता है कि हम वोल पावर में एक एम लें या वोल पावर में एन लें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी दो नंबर्स होंगे उनके प्रोडक्ट में ही जो पावर है, जो पावर में दो नंबर्स हमने लिए हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वही पावर में अब आएगा। इस बात को आपको याद रखना है, a^m / a^n की वैल्यू हो जाएगी a^m·n·n। ऐड कब होगा, मल्टीप्लिकेशन में, सबट्रैक्ट कब होगा, डिवीजन में, और मल्टीप्लाई कब होगा, जब पावर का भी पावर लिया है ना, तब।
चलिए अब देखिए, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, मतलब देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, पावर सेम हो गए लेकिन बेस अलग अलग हो गया। तो आप क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वोल की पावर में वही रखेंगे जो नंबर इनिशियली था, यानी ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ए बी वोल टू द पावर एम। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ए की पावर अगर माइनस में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो नंबर वन अपॉन ए टू द पावर एम है। अब यहाँ पे आप ए टू द पावर एम को वही मतलब समझोगे, है ना, यानी ए को एम नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर का लास्ट किसी भी नंबर का अगर हम पावर ज़ीरो लिख दें, किसी भी एक्सपोनेंट को ज़ीरो कर दें, तो वो नंबर की वैल्यू वन हो जाती है। ए टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन। यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया है कि अगर ऐसा हो ए बाय बी वोल टू द पावर ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू भी वन के बराबर ही होती है हमेशा। चलिए आज एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर देख लेते हैं, ताकि हमारे टॉपिक की कुछ पार्ट को हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए ना। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/3 वोल टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू 5/3 वोल टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 5/3 एन टू द पावर 2। देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने लॉ लगाया। क्या लॉ लगाया, ए टू द पावर एम डॉट ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। कौन सा लॉ लगाया हमने, हमने लॉ लगाया मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ लगाया हम लोगों ने, है ना, ये वाला। तो हमारा लॉ क्या स्टेट कर रहा है, यहाँ पर हमारा लॉ स्टेट करता है कि दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया जाएगा जिनकी पावर्स डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है, है ना। देखो 5/3 5/3 दोनों जगह के बेस है, पावर्स को हम अब ऐड कर देंगे। तो 5/3 2n प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 कितना हुआ, प्लस 6। तो हम उसे लिख देंगे 5/3 2n प्लस 6। राइट हैंड साइड को इसी तरीके से कॉपी करेंगे 5/3 n प्लस 2 5/3 n प्लस 2। अब देखिए जब बेस की वैल्यू बराबर होती है तो हम हमेशा पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम अब पावर को इक्वेट करेंगे, 2n प्लस 6 इज इक्वल्स टू n प्लस 2। सिंपल जो चीज़ें हैं हम उसको n वाला पार्ट है उसे हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे और जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसे एक तरफ शिफ्ट करेंगे। तो 2n माइनस n और 2 माइनस 6, तो 2n में से एक n गया तो एक n बचा और 2 में से 6 गए तो माइनस 4 बचा। तो हमारा आंसर आ गया, n की वैल्यू होती है माइनस 4 अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो। तो इस तरीके से आज हमारा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और कहीं पर भी डाउट आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ शेयर द वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स विच आर यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन देयर मैथ्स पोर्शन। थैंक यू।